सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीवन, कैसे आप लोग। मैं हूँ शांतनु, आप देख रहे हैं आपके चैनल आदिम स्टूडियो। सो गाइस, बहुत दिन के बाद ये चैनल में आपको बहुत 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 स्वागत है। और बहुत दिन के बाद ये ब्लॉगिंग आ रहा है। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरा चैनल जो है ये बंद हो गया था। और ये आप पीछे जो देख रही है एक्चुअली मेरा स्टूडियो, आदिम स्टूडियो लिखा हुआ है, जो कि मैं यहाँ एल्बम म्यूजिक वीडियो वगैरह एडिट वगैरह सब करता हूँ। तो अभी नहा के उठाऊँ, मैं देख सकता हूँ बाल अभी भीगा हुआ है। तो अभी मेरे दोस्त ने बोला थोड़ा फोटोशूट जाना है, फोटोशूट के लिए मैं इधर कैमरा निकाल के रेडी करके रखा हूँ। यह सोनी का कैमरा है A7S3 और ये मेरा 85mm का लेंस। तो अभी हम लोग जाएंगे फोटोशूट के लिए। नहीं, मेरा दोस्त तो आया नहीं है। तो गाइस, अभी शाम का 4 बज चुका है। इतना देर बैठ के मैं थोड़ा अपना सेटअप में एडिटिंग वगैरह कर रहा था एक आदिवासी प्रोडक्शन के लिए। तो अभी मैं जाऊंगा फोटोशूट के लिए। मेरे दोस्त ने बुलाया, चल बहुत दिन से फोटोशूट वगैरह नहीं हुआ है, थोड़ा फोटोशूट वगैरह करेंगे। तो हम सोचे चलो जल्द से जल्द नहा लेते हैं, नहाने के बाद फोटोशूट के लिए निकलेंगे। मेरा कैमरा भी निकाल लिया हूँ और बैटरी वगैरह भी सब रेडी है। लेंस तो 85 ही है, और तो लेंस नहीं है, 50mm था वो, मैं अपना लो भाई को दिया हूँ जो गए है ब्लॉगिंग के लिए ही गए है, तो जो कि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं वो। तो ये मेरा स्टूडियो है, सेटअप है। बाकी डिटेल्स आपको जानना होगा तो बाद में वो बता दूंगा, आप कमेंट करिएगा। सो गाइस, देख सकते हैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दे रहा हूँ। यह है मेरा स्टूडियो जो लिखा हुआ है आदिम स्टूडियो, जो लोगो बनाने तो आता नहीं है, खुद अपने से ही जितना भी हो सके बना के डेस्कटॉप में डाल दिया। तो देख सकते हो एडिटिंग वगैरह चल रहा था, और दिखा दूँ आपको एक वीडियो एक आदिवासी प्रोडक्शन में जो आने वाला है। तो आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कटिक कटिक जो कि एक संताली वीडियो है एक आदिवासी प्रोडक्शन में, इसका फुल वीडियो आने वाला है 17 तारीख को। आप लोग इंतज़ार कीजिए और बहुत ही जल्द इस वीडियो आने वाला है। और बहुत ही गंदा है, कुछ जज मत कीजिएगा, ऐसा ही जब हड़बड़ी में काम करना होता है तो जहाँ तहाँ वो रख के फेंक के चल जाते हैं। यह है मेरा लाइट जो स्टूडियो फोटो वोटो वगैरह नहीं तो शूटिंग में भी इस्तेमाल होता है। एक्सटर्नल लाइट है, इसका बैटरी है, और इसका कैमरा का बैटरी भी उल्टा सीधा जहाँ तहाँ रख देता हूँ मैं। और ये चैनल बहुत दिन से बंद था, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा हेल्प कीजिए, जैसे कि इस चैनल का रीच वगैरह थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाए। आप थोड़ा वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगे तो अनलाइक कीजिए, कोई बात नहीं। तो गाइस चलो चलते हैं, वो मेरा दोस्त आया था कैमरा लेके तो चल गया, मैं थोड़ा रेडी हो रहा था। और ये मेरा है एंटॉर्क स्कूटी, एंटॉर्क जो मैं यूट्यूब का पैसा से ही लिया हुआ था, लिखा हुआ है एक आदिवासी प्रोडक्शन। तो गाइस चलो चलते हैं सीधा। सो गाइस देख सकते हो ये है एंटॉर्क। तो है गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच गए लोकेशन पर, और ये है मेरा वो स्कूटी, क्या बोलते हैं एंटॉर्क, एक आदेश प्रोडक्शन लिखा है। और ये पीछे और एक दोस्त है, वो सब चेला लोग आए हैं फोटोशूट करने के लिए, और वो उधर खाली बैदन फोटो खींच रहा है वो कैमरामैन, और इधर है और एक, और इसका भी है देखो एंटॉर्क। हम लोग भाई भाई, मतलब दोनों ही जब गाड़ी लिए एक ही साथ लिए थे एंटॉर्क, इसीलिए दोनों जब निकलते कहीं भी बाहर तो दोनों एंटॉर्क लेके ही निकलते, कहीं भी जाना होगा, कहीं भी कुछ भी टूर वगैरह ट्रैवल वगैरह जहाँ भी हो, शॉपिंग वॉपिंग जहाँ भी हो जाए। और इधर का जगह देखो, एक्चुअली हम लोग अभी उड़ीसा में, घर का पास ही है, 2-3 किलोमीटर आसपास ही है। देखो लोकेशन देखो, नीचे एक छोटा मोटा डैम है। अभी पूजा का टाइम है ना, तो काश फूल वगैरह सब निकल गया, इधर पानी जा रहा है, बहुत ही गहराई तो है। देखो पीछे पानी है, अभी शाम का टाइम हो रहा है, देख सकते हो नज़ारा अच्छा लग रहा है। सो गाइस देख सकते हो, इसको खाली खाली वजन फोटो खींचा रहा है। देखो इसका, हाँ इसका नाम भी शिवा है और मेरा नाम भी शिवा है, आप लोग नहीं जानते होंगे। मेरा नाम शांतनु है। और ये देखो फोटो खींचा रहा है काला बंदा। सो गाइस, हाँ पहले तुम गोरा थे ना जब बेंगलोर में थे, अभी काला हो गया। ये देखो गाइस पानी है, लोकेशन अच्छा है। इधर हम लोग 2-3 बार बहुत बार शूट वगैरह कर चुके हैं लोकल में, मेरा घर से 2-3 किलोमीटर दूर ही है, ज़्यादा दूर तो है नहीं, कभी कभार घूमते घूमते ऐसे ही आ जाते हैं। मौसम भी अच्छा है, बारिश नहीं दे रहा है, तो सोचे थोड़ा घर में तो हर टाइम बैठे रहते हैं एडिट वगैरह करते, आज थोड़ा चल जाते ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। तो
मेरा आदिम स्टूडियो गाइस, बहुत दिन का बाद मेरा वो चैनल रिकवरी हुआ है। एक्चुअली वो पहले नाम था टेक्निकल चैनल, ठीक है, टेक्निकल चैनल नाम था पहले। हम मशीन वगैरह कुछ भी टूटा फूटा हो, गाड़ी लेके सब टेक्निकल मैकेनिक वगैरह सब करता था, और टेक लेके थोड़ा बहुत भी वो देखा देखी बोल देता था यूट्यूब में। तो गाइस अभी सोचते हैं नहीं, ब्लॉगिंग कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली टाइम तो नहीं मिलता है। मेरा जो मेन चैनल है क्या दिवस प्रोडक्शन, उसमें तो मैं वीडियो वगैरह करता हूँ, शूटिंग वगैरह करके, एडिट वगैरह करके, वीडियो सब रेडी वेडी करके मैं वो अपना मेन चैनल में छोड़ता हूँ, तो उसमें फोकस दिया हुआ था। तो अभी हम सोचे नहीं, ब्लॉगिंग भी कंटिन्यू करते हैं, कैमरा वगैरह करते हैं, अपना जो काम रहता है इसीलिए मतलब टाइम वगैरह निकल जाता है, टाइम ही मिल नहीं पाता है गाइस। जैसे कि देखो, वेडिंग का काम हो गया, प्री वेडिंग वगैरह ये सब वगैरह वगैरह वीडियो शूट वगैरह करते हैं, एडिटिंग वगैरह करके कुछ पैसा वैसा आ जाता है, उसी से कमा लेते हैं। और मेरा जो चैनल का वीडियो है उसमें सब शूटिंग वूटिंग करके अपना चैनल के लिए वो डालते हैं, एल्बम वगैरह, म्यूज़िक वीडियो कुछ भी होगा। नीचे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ रहेगा, आपको अगर कुछ भी वीडियो शूट वगैरह कुछ भी करना होगा तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करिए। एल्बम संताली म्यूज़िक, बंगाली, हिंदी, कोई भी वीडियो बना के पूरा रेडी करके, एडिट वगैरह करके देंगे। और पीछे देखो यह है नज़ारा, डैम के ऊपर है हम लोग फिलहाल, अभी डैम के ऊपर है फिलहाल। और ये देखो पानी कितना जा रहा है, वो छोटा सा ब्रिज है इधर। जब पानी इधर जब क्या होता है, बनना होता है ना, हिंदी में बनना बोलता है। तो बान आता है, हाँ ठीक। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बान आता है, ज्यादा बारिश होता है, ये सब जो छोटा ये जो ब्रिज है पूरा उसका ऊपर तक पानी आ जाता है, ऊपर सब पानी चल जाता है, ठीक है। और जो आगे देख रहे हैं कहाँ गया, अच्छा हाँ वो वाला, उधर है मेरा घर बंगाल, उस साइड है बंगाल, इस साइड है उड़ीसा। तो ये कभी कभार घूमते घूमते आ जाते हैं। और गाइस हाँ, आप लोग याद करके रखिएगा, 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा का टाइम मेरा मेन चैनल में किया देसी प्रोडक्शन में मेरा वो कटिज फुल वीडियो संताली रिलीज होने वाला है। आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रख सब कराई सकर भाई, यही नहीं अभी और सुनिए प्लीज सकर परा सब्सक्राइब सही पकड़े हैं, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हेलो सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, अभी मजा आएगा ना वीडियो। फाइनली जैसे भी करके वो वीडियो को रिलीज करना होगा, आप लोग देखिए। सो गाइस देख सकते हो ये मोटू भाई मेरा जैसा पोज दे रहा, देखो फोटो उठा रहा, ये देखो पॉकेट में गुटखा रखा हुआ है, गुटखा मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं। ओहो अच्छा अच्छा देखो पोज दे दिया, देखो पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज थोड़ी तीन बताएंगे, ये तो पूरा सिक्स पैक दिखा रहा तब से। ये मेरा भाई है पार्ट टू शिवा टू, हेलो फिर वो कैमरामैन एक। तो गाइस अभी मौज मस्ती करते करते शाम हो गया है, अभी हम लोग जाएंगे घर, शाम का 5:30 शायद बज गया है, तो स्कूटी लेंगे और सीधा निकलेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया, हम लोग का घर उधर है पीछे, तो जल्दी जाना होगा। तो गाइस देखिए यह है मेरा एक के आदिवासी प्रोडक्शन मेन चैनल और एक है संतनु लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग चैनल, तो दोनों ही है वेस्ट बंगाल का, क्या बोलता है उसको, एंटॉर्क एंटॉर्क भाई भाई, जहाँ भी हम लोग जाते हैं दोनों सेम चीज़। बहुत ही रात हो गया फोटो उठाते उठाते, और मैं तो अपना फ़ोन से फोटो शूट कर रहा था। देखिए अभी ये कच्चा रास्ता से हम लोग जा रहे हैं, पूरा एकदम पानी पानी हो गया, कीचड़ ही कीचड़ है, तो रास्ता थोड़ा ख़राब है, जैसे तैसे देख के जाना पड़ रहा है। तो हम लोग का इधर गाँव में लोकल एरिया में इधर सबसे ज़्यादा हाथी का तांडव ज़्यादा होता है गाइस, हाथी वगैरह ज़्यादा निकलता है, पहाड़ी एरिया तो है नहीं, फिर भी हाथी वगैरह बहुत ज़्यादा इधर आते रहता है, घूमते फिरते रहता है। जो कच्चा कच्चा जो घर रहता है वो सब घर वगैरह तोड़ फोड़ देता है, तोड़ता मतलब नहीं है, जो चावल धान वगैरह सब बुरा में बंद हुआ रहता है ना, तो वो सब मिलता होगा तो वो लोग लेके वो लोग खाने लगता है। हाथी भाटी भाटी मतलब दारू वगैरह, और हम लोग का देसी जो है, हम लोग का आदिवासी का जो है क्या बोलते उसको, हंडिया हंडिया रस्सी, वो सब घर घर में मिलता है ना, तो वो सब हाथी को अगर मिल गया वो तो लेके भाग गया, मतलब खाएगा उधर ही बैठ के, हाँ। और उधर ही माताल भी हो जाता है हाथी भी, कोई विश्वास नहीं करेगा। तो ये है देखिए, तो छोटा सा जंगल जैसा एरिया है, अभी हम लोग हाई डीपर करके जा रहे हैं लाइट, तो साइड में छोटा छोटा जंगल है, ठीक है।
सो गाइस देख सकते हो हम लोग पहुंच गए धूमसाई। इधर उड़िया एक क्या यात्रा का पोस्टर लगा हुआ है और ये हम लोग का है धूमसाई मार्केट छोटा मोटा सा। और ये आ रहा है दोस्त पीछे से। गांव में थोड़ा सा ही प्रॉब्लम होता है, क्या कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, थोड़ा सा कुछ लेने के लिए फिर उधर जाओ इधर जाओ, ये सब दिक्कत होता है। गाइस फाइनली हम लोग घर पहुँच गए हैं। तो मैं अपना पीसी इधर ऑन कर रहा हूँ, इन लोगों को भाई फोटो फोटो देना है। देखो ये लोग भी आ गया इधर घर पे, सब अपना अपना बिजी है। सो गाइस मैं अपना फोटो वगैरह कॉपी करके इसको दूंगा, फिर ये लोग जाएगा। तो आज का तो घर आते आते हम लोग का रात हो गया, अभी 7:13 हो रहा है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। फिर दूसरा कुछ दिखाते हैं, आपके साथ बात करते हैं, ऐसे लाइफस्टाइल ब्लॉग। तो गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और ये आदिम स्टूडियो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जल्द से जल्द कटिश फुल वीडियो संतानी वीडियो आने वाला है एक आदिश प्रोडक्शन पे, जाके सब्सक्राइब करो।